हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वचर बताने के बाद मैं कॉर्ड ऑफ कर्वचर बताने जा रहा हूँ। कॉर्ड ऑफ कर्वचर का फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कराया था, ठीक है। आज मैं कॉर्ड ऑफ कर्वचर का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको कॉर्ड ऑफ कर्वचर बेसिकली दो प्रकार का पढ़ना होगा। एक तरीका से हाई एंगल वाला पढ़ना होगा, एक साई एंगल। साई एंगल में क्या चीज है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग कि कॉर्ड जो है एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या एक एक करके मैं सारा फॉर्मूला फिर से ड्राइव करा दूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कॉर्ड ऑफ कर्वचर निकालेंगे, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कर्वचर का मतलब क्या हो गया, एक तरीका से आप समझ रहे हैं जीवा। कर्वचर का, इसके पहले आप रेडियस पढ़ रहे थे और अभी आपको कर्वचर का कॉर्ड निकालना है। तो दो फॉर्मूला आप देखे होंगे, एक होता है टू रो, ये होता है साइन फाई। ये जेन्युइन एक कर्व है, ये एक्सिस के पैरेलल वाला मैटर नहीं है, एक्सिस के पैरेलल वाला में है। अगर इसके पैरेलल होगा एक्स के तो इतना साइन साई होता है। टू रो कॉस फाई जो होता है ये आपका y के पैरेलल x के पैरेलल, और ये तो डायरेक्ट आप समझ रहे हैं। और कर्व जो है एक तरीका से कहां गया मिटाने वाला, देखिए क्वेश्चन से हम बात करते हैं, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। ये दिया गया क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वचर थ्रू द पोल ऑफ द कर्व RK power m equal to AK power m cos m theta is 2R divided by m plus 1 दिया है। मतलब ये जो आपको पोलर कर्व दिया हुआ, दिस इज पोलर कर्व, इस पोलर कर्व का इस बार हम लोगों को कॉर्ड निकालना है। कॉर्ड यानी जीवा का लंबाई निकालना है। पहले हम लोग रेडियस निकालते थे, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि कॉर्ड जो है वो रेडियस से रिलेटेड है, यानी कॉर्ड ऑफ कर्वचर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। उस फॉर्मूला है टू रो साइन फाई का, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं कि पोलर कर्व का कॉर्ड ऑफ कर्वचर निकालने का क्या तरीका है। 2 रो साइन फाई, एक कर्व अगर आपका पोलर है उस समय रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ क्या उसको बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कर्वचर निकालने का यही फॉर्मूला है। क्या चीज है, आपको रो निकालना होगा, मतलब रेडियस से होकर जाना होगा, रेडियस ऑफ कर्वचर से होकर आपको जाना होगा। तो देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। पहला राउंड में हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, गिवन कर्व दिया गया, कर्व आपको है आरके पावर एम इक्वल टू ए के पावर एम कॉस एम थीटा, यह दिया गया। अच्छा, सबसे पहला काम है कि आपको रेडियस निकालना है, और मैं ये भी आप लोगों को बताया हूं कि रेडियस निकालने के लिए पोलर कर्व का बेस्ट तरीका है कि पहले आप उसको पेडल में कन्वर्ट कर दें। पहले आपको क्या करना चाहिए, पेडल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्ट आप निकालिएगा, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर का 3/2, और नीचे जो हम लोग लिखते हैं लंबा चौड़ा फॉर्मूला, ये आपको प्रॉब्लम कर देगा। जहां पोलर कर्व पावर में आ गया, मतलब घात वाला, वहां आपको समस्या करेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि रेडियस अगर निकालना है पोलर कर्व का, तो इसको आप पेडल में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद फाइनल इस पर वर्क कीजिए। तो देखिए क्या इसमें होगा, सबसे पहला काम मैं इसको किसमें ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, पेडल में, और पेडल में ले जाने के लिए आपको फाई की आवश्यकता होगी। तो देखिए मैं फाई निकालने जा रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी थीटा।
ये हो गया एम आर एम माइनस वन डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए टू दी पावर एम कॉस का हो गया माइनस साइन एम थीटा एन टू हो गया एम। ठीक है, यहां से आप एम और एम को हटा लीजिए और इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए डी थीटा बटा में आर के पावर एम माइनस वन डी आर इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा वन बटा में विथ नेगेटिव ए टू दी पावर एम साइन एम थीटा हो गया। क्लियर है यहां तक मैं आ गया हूं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, डी थीटा बटा में डी आर मैं आर टू दी पावर एम माइनस वन को यहां भेज रहा हूं और ए के पावर एम साइन एम थीटा यहां तक मैं पहुंच गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, लेफ्ट साइड में टैन बनाने के लिए आर से मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूं आर डी थीटा बटा में डी आर इक्वल टू इधर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर भी कर दीजिए तो आपका हो जाएगा आर टू दी पावर एम एम निगेटिव है डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन ए साइन एम थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट साइड में हो गया टेन फाइव इक्वल टू आर के पावर एम का मान हम दे देते हैं आर के पावर एम का मान हो जाएगा कितना है आर के पावर एम का वैल्यू है ए के पावर एम कॉस एम थीटा विथ नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एम साइन एम थीटा ये आपका कट जाएगा। यहां के बाद ये हो गया टेन फाइव इक्वल टू अच्छा कॉस बटा साइन को मैं कॉट कर दे रहा हूं ये हो गया माइनस आपका माइनस टू आएगा ये हो गया कॉट एम थीटा और यहां के बाद आप लिख सकते हैं टेन फाइव इक्वल टू इसको आप लिख दीजिए टेन नाइनटी प्लस थीटा कर देते हैं और अब यहां के बाद फाइव का जो वैल्यू आ गया ये पाई बाय टू प्लस एम थीटा हो गया। ठीक है, अभी तक हम लोग पोलर कर्व का फाइ निकाले हैं और इसमें बहुत कुछ है नहीं। यहां के बाद देखिए आपको क्या करना चाहिए, नाउ करके मैं लिख रहा हूं इसको हम चेंज कर रहे हैं जो कर्व का पोलर था इसको मैं पेडल बनाने जा रहा हूं। नाउ यहां से हम लोग आ जा रहे हैं क्या नाम है पी बराबर आर साइन फाइव तो नाउ फ्रॉम आप लिख सकते हैं दिस तो पी इक्वल टू आर साइन फाइव का वैल्यू हम लोगों को इसको लिखना चाहिए कितना साइन फाइव फाइव का वैल्यू है पाई बाई टू प्लस एम थीटा। क्लियर, और P इक्वल टू आर इन टू ए हो गया कॉस एम थीटा। कॉस एम थीटा का वैल्यू हम क्वेश्चन से रिप्लेस कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्या दिया गया है ये है आर टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एम। ठीक है जी, P इक्वल टू आर के पावर एम प्लस वन डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एम। अभी जो आपका कर्व जो था जो कर्व आपका पोलर में था उसी कर्व को मैंने कन्वर्ट कर दिया पेडल में। ठीक है, और अब पेडल कर्व से मैं क्या निकालने जा रहा हूं, रेडियस निकालने जा रहा हूं। तो फिर से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू मैंने क्या कर दिया पी कर दिया तो ए हो गया वन इक्वल टू वन बटे ए टू दी पावर एम ए हो जाएगा एम प्लस वन इंटू आर टू दी पावर एम और ए हो जाएगा आपका डी आर बटा डी। क्लियर है, और ए हो जाएगा आपका इसको मैं इधर ले रहा हूं ए के पावर एम डिवाइडेड बाई एम प्लस वन और साथ ही साथ मैं इसको इतना लिख दे रहा हूं आर के पावर एम माइनस वन इंटू आर डी आर बाई डी पी। दिस इज रो ऑफ क्या नाम है इसका, ये रो है आपका पेडल कर्व का रो है, दिस इज रो ये आपका रो है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं इसको रो हम लोग बोलेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई एम प्लस वन इंटू आर टू दी पावर एम माइनस वन और ए हो गया रो और यहां से आप रो का वैल्यू बता सकते हैं कितना होना चाहिए चला जाएगा बटा में ये आपका आ गया ए के पावर एम डिवाइडेड बाय एम प्लस वन इनटू हो गया या बटा में ही रहेगा आर टू दी पावर एम माइनस वन इतना हम लोग पहुंच गए। ये रो मैंने निकाल दिया, अब चूंकि आपको कॉर्ड ऑफ कर्वचर निकालना है कॉर्ड ऑफ कर्वचर और कौन सा कर्व है ये कार्टेशियन नहीं है पोलर कर्व है। ठीक है, तो यहां पर अब दिखाया जा रहा है नाउ कॉर्ड ऑफ कर्वचर, कॉर्ड ऑफ कर्वचर क्या हो जाएगा जी, कॉर्ड ऑफ कर्वचर निकालिएगा तो ए साइन फाइव तो टू इंटू रो का मान हम लोग टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय एम प्लस वन
इन टू हो गया आर के पावर एम माइनस वन, साइन फाई है तो साइन और फाई हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं जी। फाई का वैल्यू कितना है, पाई बाय टू प्लस एम थीटा, पाई बाय टू प्लस एम थीटा है। और यहां से आप देखिए टू ए के पावर एम डिवाइडेड बाई एम प्लस वन इन टू आर के पावर एम माइनस वन, और ये आपका बना देगा कॉस एम थीटा। कॉस एम थीटा का वैल्यू वहां से रिप्लेस कर लीजिए क्वेश्चन से, तो ए हो गया टू ए टू दी पावर एम एम प्लस वन इंटू आर के पावर एम माइनस वन, कॉस एम थीटा का वैल्यू हो जाएगा आर टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एम, इससे इस कट जाएगा। और आप देखेंगे कि ए वाला भी इसको जाकर एक का डिफरेंस है, ये दोनों में एक का डिफरेंस है तो ए कट जाएगा। यानी ये देखिए फाइनल आपका आ रहा है टू बटा में एम प्लस वन, आप मिलाएंगे कहां तो लाना था टू बटा में एम प्लस वन, और ये कटेगा तो इसमें आर बच जाएगा। ये आपका हो गया कॉर्ड ऑफ कर्वचर, ये जो क्वेश्चन है आपको एक फुल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसको आप ये कर सकते हैं ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पोलर कर्व के लिए कॉर्ड ऑफ कर्वचर कैसे निकालेंगे। डेट आज मैं मेंशन कर दे रहा हूं, शायद 28 है, 28/4/23। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्लास में बताएंगे कॉर्ड ऑफ कर्वचर जो एक्सिस के पैरेलल हो, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो पहले हम लोग थ्योरी बताएंगे, मैंने किस प्रकार से निकाला ये होता है, फॉर्मूला कहां से डेरिवेशन होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा। चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद, यहीं पर लास्ट किया जा रहा है। ओके।